तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसे जनरे की मूवी देखना पसंद करते हैं जिसमें मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर ये सब होता है। बहुत लोग होंगे आप में से, और काफ़ी मर्डर मिस्ट्रीज भी आपने देखी होंगी। हमारे निर्माता हमेशा से ही दर्शकों को लुभाने के लिए अलग अलग जनरे और अलग अलग टॉपिक को लेके अपने सिक्स सेंस का प्रयोग करते हुए कुछ काल्पनिक वो कुछ रियल लाइफ बेस्ड मूवीज़ आप सभी लोगों के बीच में लेकर आए हैं। और मतलब गजब यार, मतलब मज़ा आ जाता है। शुरुआत से और लास्ट तक सस्पेंस रहता है, आखिर कौन होगा, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। लास्ट में ऐसे राज खुल जाता है कि मतलब हर कोई हक्का बक्का हो जाता है। किसी भी रहस्य को ले लिया जाए, इस दुनिया से जुड़ी कोई भी अजीब बात जिसका अभी तक कोई मतलब तथ्य नहीं निकल पाया है, मतलब एक बस हमारे सामने बस एक छवि है कि यार ऐसा है, और इसके पीछे का राज हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं कि किसने किया, क्या किया, कैसे किया। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, तीरथ सिंह रावत ऑफिशियल के एकदम फ्रेश न्यू अपलोड में आप सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज भी आपके उज्जवल भविष्य की तहे दिल से कामना कर रहा हूँ। मर्डर हमेशा से परेशान करने वाली बात है। कुछ हत्याएं इतिहास में ऐसी हुई हैं कि क्रूरता के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से किलर ने हत्या की है। उनसे आज तक ऐसे सवाल छिपे हुए हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस खुद स्तब्ध रह गई कि क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कोई कैसे कर सकता है। नेटफ्लिक्स में बाल्टीमोर नन की नई डॉक्यूमेंट्री कीपर्स में 150 साल पिछले, आज से इस सदी से डेढ़ सौ साल पिछले के जितने भी हाई प्रोफाइल अनसॉल्वड मर्डर मिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर जांच दिखाई गई है। किस तरह से उसमें वो डॉक्यूमेंट्री, अगर आपने नहीं देखी, नेटफ्लिक्स में मेरे ख्याल से अवेलेबल है वो, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन उसके बारे में काफ़ी हद तक मैंने सुना है कि उसमें जो है जितने भी इतिहास के बहुत ही मतलब अनसॉल्वड मर्डर मिस्ट्री जिनके कुछ भी मतलब फैक्ट नहीं निकल पाए कि मतलब कातिल कौन था, जो आज भी जिसमें कई सवाल बैठे हुए हैं, मतलब एकदम रहस्य दर्दनाक, अगर आप पढ़ने लग जाओ ना तो एकदम कांप देने वाली बातें सामने आती हैं। इन्हीं मर्डर में से एक हत्यारा ऐसा था जिसका कभी भी पता नहीं चला और ना ही कभी चल पाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक ऐसे मर्डर के रहस्य के बारे में जिसके किलर का आज तक पता नहीं चल पाया। लंदन के एक कुख्यात सीरियल किलर ने एक सदी पहले कुछ प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या करके इलाके में तहलका मचा के सबको भयभीत करके रख दिया। उसने कम से कम 5 महिलाओं को काट कर जैक द रिपर के नाम से अपनी अलग पहचान बना दी। उस समय जब 3 महीने के अंदर ये 5ों मर्डर हुए, लंदन में इतना तहलका मच गया, अब लोग भयभीत हो बैठे, कांप उठे कि कौन इतनी बेरहमी से इतनी दर्दनाक मौत दे सकता है। जैसे ही 5ों मर्डर में से दूसरे मर्डर की खबर आई, आसपास का माहौल और भी डर पड़ा। द मॉर्निंग पोस्ट के नाम से एक पत्रिका चलती थी लंदन में, ये बात 1888 की है जब ये सारे मर्डर लंदन के अंदर हुए, तो उस पत्रिका में यही बात लिखी थी कि एक ऐसा हत्यारा आप सभी लोगों के बीच में छुपा है जो बेरहमी से हत्याएं कर रहा है, और साथ ही साथ ये बात रखी गई कि वह बेहद ही पागल मिजाज का है, आप सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उस समय के स्थानीय अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने यह अनुमान लगाया हत्याओं को देखते हुए कि यह कोई डॉक्टर या तो कोई कसाई है। आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जिसमें जो है जितनी भी ऐसी मूवीज़ है जिसमें मर्डर बेरहमी से होता है तो उसमें दिखाया जाता है कि कोई पागल साइको टाइप का किलर उसमें रहता है, जो कि या फिर पेशे से डॉक्टर या फिर पेशे से कसाई होता है। उन सभी का ऐसा अनुमान लगाने के पीछे का कारण यही था क्योंकि वह व्यक्ति काफ़ी प्रोफेशनल था। जितने भी मर्डर हुए थे ना
उनसे यही बात निकलती थी कि उस व्यक्ति को नाइफ चलाने का बेहद खतरनाक कौशल है, क्योंकि उसने क्या किया था, मृतकों के शरीर पर कुछ बेहद ही खतरनाक लोगों मतलब निशान छोड़ दिए थे और बॉडी इस तरीके से काटी थी कि सेम जितने पांचों मर्डर हुए उन पांचों मर्डर में उसने तरीके से गला काटा हुआ था और तरीके से पेट काटा हुआ था, एकदम धारीदार कहते हैं ना कि मतलब जहाँ पे ना इतना आगे ना इतना पीछे, सारे मर्डर जितने भी हुए थे सब एक लाइन में ही हुए थे। और इसकी वजह से शक कसाई या डॉक्टर पर जा बैठा। एक लेखक हुआ करते थे लंदन के अंदर जिनका नाम डेव योस था, उन्होंने इस मर्डर के ऊपर काफ़ी रुचि दिखाई अपनी और दो पुस्तकें निकाल दी। एक पुस्तक थी एलिजाबेथ स्ट्राइड। एलिजाबेथ स्ट्राइड मृतकों में से एक महिला का नाम था। साथ ही साथ उन्होंने एक और पुस्तक निकाली जिसका नाम जैक द रिपर था, और उन्होंने इस बात का वर्णन किया था कि कातिल ने मृतकों के पेट काटकर, उनका गला काटकर और उनके शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह छोड़े हैं जिसका वर्णन आज तक हमें मिलता आया है। 1988 में इसी क्राइम पर एक मूवी बनी जिसके चलते FBI को काफ़ी ऐसे सुराग मिले जो ये साबित करते थे कि जितने भी मृत शरीर थे वो सारी ही वेश्याएँ थी, प्लस उन्हें शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत थी, सारी शराबी थी। और जितने भी मर्डर हुए ये सुबह के समय में 3-4 बजे के करीबन हुए थे। भला इतनी सुबह कौन मतलब कैसे, वेश्याओं का तो खैर उस समय बिजनेस चलता था और लंदन के अंदर, और कोई ऐसा व्यक्ति मतलब जो इनके बीच से ही उभर कर आया। तमाम सबूतों व बातों के बावजूद भी पुलिस आज तक उस कातिल को नहीं पकड़ पाई। खैर ये तो 88 की बात थी, अब तक तो वह बेचारा दूसरा जन्म भी ले चुका होगा। 2000 के आसपास FBI ने यही बताया, उस समय ना ही कोई फॉरेंसिक तकनीक थी और ना ही कोई ऐसे साधन थे जो आज की डेट में अवेलेबल हैं कि आसानी से कातिल को पकड़ा जाए फॉरेंसिक रिपोर्ट या फिर मेडिकल तकनीक के जरिए। और यही रीज़न था कि वो कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। पुराने समय की बात थी लेकिन इतनी उठी हुई बात थी कि मतलब ना उस समय काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं थी ना, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप लगा लो आजकल देख लो स्ट्रीट, हर स्ट्रीट में कैमरे लगे हुए हैं, कहीं भी कुछ बात होती है कैमरा आधा से ज़्यादा CCTV ना कैच कर जाता है। CCTV फुटेज कितनी वायरल होती है जाने अनजाने में, मतलब कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि मतलब उन्हें पता बनक भी नहीं होती कि CCTV लगाया और CCTV सब देख रहा है। इतिहासकारों व कुछ पेशेवर अपराधियों के जरिए पुलिस ने ये बात का थोड़ा मतलब मदद ली कि कई हम क्या पता कुछ सबूतों के जरिए उसको पकड़ पाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज तक उस किलर का कोई भी पता नहीं है।